हर हर गंगे जय माँ गंगे। हम पहुंच चुके हैं हरगी पौड़ी हरिद्वार और आज अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी आज के दिन। हर हर गंगे जय माँ गंगे। सो आज है 25 अक्टूबर, आज है अमावस्या और कल दीपावली थी। सो ऐसे में आज देखेंगे हरगी पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा हाल, क्या स्थिति है, कितनी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसे कि कल दीपावली थी उसके बावजूद भी कितनी संख्या में जो श्रद्धालु देखने को मिलेंगे हरगी पौड़ी हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करते हुए, और जानेंगे हरगी पौड़ी के विभिन्न घाटों की स्थिति क्या स्थिति है, कितनी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से और गंगा जी का जलस्तर कितना है अभी तक। जैसा कि पिछले 15-20 दिनों से जो गंगा जी में जल कम था, साफ़ सफाई का कार्य चल रहा था या जल बंद कर रखा था पूरी तरह से। सो अभी हम खड़े हैं शिव पुल पर और यह सीआर टावर, सीआर टावर के जस्ट बगल में ऊंचा टावर देखा हो ना, यही पुल जो है शिव पुल है जो कि घुमावदार पुल है, और यहीं से जो पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर बिल्कुल साफ नज़र आता है, जय माँ मनसा देवी। और वहीं इस ओर ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी घाट, हरकी पौड़ी के सभी मुख्य घाट इस ओर ही हैं, और इस पुल से नज़र आता है ये धनुष ब्रिज जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे में आप हरकी पौड़ी हरिद्वार आए होंगे, गंगा स्नान किया होगा आपने, तो डेफिनेटली आप इस पुल को जानते होंगे। बट इससे पहले अभी और भी पुल थे जो अभी फ़िलहाल हटा दिए गए हैं, जो कि अगर आप अभी हरिद्वार में विजिट करेंगे तो वो पुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो फटाफट से चलते हैं हरकी पौड़ी के मुख्य घाटों की ओर। शिव पुल से कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है हरकी पौड़ी हरिद्वार का, और काफ़ी सुंदर नज़ारा नज़र आता है यहाँ पर। और इस ओर माँ गंगा जी की बहुत बड़ी धारा दिखती है, वहीं इस ओर है भगीरथ सेतु जहाँ पर गंगा जी की धारा बहुत तेज़ बहती है, वेव्स भी देखने को मिलती है। सो अभी चलते हैं भगीरथ सेतु पर जो कि बहुत सुंदर बना हुआ है, काफ़ी सही लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, तो ऐसे में आप यहाँ पर पिक्स वगैरह ज़रूर क्लिक करा सकते हैं। भगीरथ सेतु से इस ओर का व्यू कुछ इस तरह का नज़र आता है, जिस साइड में जो ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी घाट है और घंटाघर घाट है। सो यहाँ पर जो गंगा जी की धाराएँ या वेव्स देखने को मिलती है जो जैसे लहरें आती हैं सेम ऐसी मिलती हैं, बट अभी जल कम है, धीरे धीरे करके जल छोड़ा जा रहा है हरकी पौड़ी के सभी घाटों पर, धीरे धीरे करके पूरी तरह से जल देखा जाएगा। सो यहाँ पर वेव्स नज़र आती हैं, और वहीं इस ओर है नाई घाट जो आज काफ़ी खाली खाली लग रहा है, जबकि कल दीपावली के दिन जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस घाट पर, वो वीडियो देख सकते हैं, कल ही की वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस घाट पर, ऑलमोस्ट सभी घाटों पर, और इस ओर की स्थिति देख सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी घाट पर, आप देखते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु मौजूद हैं ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी घाट पर। सो उस ओर भी चलेंगे, श्री गंगा द्वार हरकी पौड़ी हरिद्वार सामने की ओर है श्री गंगा द्वार। ऐसे में आप बस स्टैंड की तरफ से अंदर की मार्केट से आते हैं तो इस ओर निकलेंगे, वहीं आप जो पद्धति पार्किंग की ओर से आते हैं तो उस ओर से भी आ सकते हैं। ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी मुख्य घाट पर अगर आपको जाना हो तो इस ओर से आप जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर से भी रास्ता है अपर रोड से, जहाँ पर आपको जूता चप्पल निकालने होंगे क्योंकि इस घाट पर जूता चप्पल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो फिलहाल चलते हैं ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी घाट की ओर, जो पुल पड़ता है और वहाँ से जो व्यू काफ़ी सुंदर नज़र आता है। हर हर गंगे जय माँ गंगे। सामने की तरफ है प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर, और उस ओर का जो घाट है वो है ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी घाट, वहीं इस ओर है घंटाघर घाट। सो ऐसे में आप दर्शन कर रहे हैं हरकी पौड़ी हरिद्वार के मुख्य घाटों के, माँ गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, और जो इस ओर है अस्थि प्रवाह घाट। सो ऐसे में देख सकते हैं आज जैसे कि अमावस्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, काफ़ी स्नान की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त दिन है। सो ऐसे में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हुए माँ गंगा जी के पावन जल में डुबकी लगाते हुए। सो जैसे कि आज अमावस्या है उस दृष्टि से भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, हालाँकि अगर देखा जाए जैसे दीपावली थी कल और 24 तारीख को दीपावली थी, आज 25 तारीख है, आज अमावस्या है, उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि ज़्यादातर बाहर से ही आए हुए हैं। इस वक्त समय है 11:30, मॉर्निंग के 11:30 हो रहे हैं, और 25 अक्टूबर है, अमावस्या का दिन है। ऐसे में आप दर्शन कर रहे हैं हरकी पौड़ी हरिद्वार से माँ गंगा जी के, और देख सकते हैं माँ गंगा जी के पावन जल में काफ़ी श्रद्धालु स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आप कभी कंफ्यूज हो आप किस घाट पर स्नान कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप क्लॉक टावर के पास स्नान कर रहे हैं तो नो डाउट आप डेफिनेटली जो आप हरकी पौड़ी पर ही हैं और हरकी पौड़ी के मुख्य घाटों पर ही आप स्नान कर रहे हैं। और घाटों के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उस ओर है ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी घाट जहाँ पर जूते चप्पल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है,
आपको बाहर ही निकाल के स्टॉल में निकाल के जाना पड़ता अंदर की ओर। वहीं इस ओर है क्लॉक टावर घंटाघर घाट, जहाँ पर आप जूते चप्पल के साथ आ सकते हैं और आप साइड में रख के जूते चप्पल निकाल के जो गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। जैसे कि आज सूर्य ग्रहण भी है, तो ऐसे में माँ गंगा जी का अभिषेक जो 6 बजे किया जाएगा, सूर्य ग्रहण जो 5:34 पर जो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा और माँ गंगा जी की आरती 6:45 पर शुरू होगी। ऐसे में जो घाटों की सफाई ऑलमोस्ट 5 बजे से की जाएगी, साफ कर ली जाएंगे। श्रद्धालु अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं सभी घाटों पर और माँ गंगा जी का अभिषेक जो कि 6 बजे होगा, वहीं माँ गंगा जी की आरती होगी 6:45 पर। सो आज 25 अक्टूबर है, अमावस्या है। सामने की ओर है प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर, वहीं उस ओर जो घाट है उस घाट को महिला घाट के नाम से जाना जाता है, वहीं इस ओर वाले घाट को मालवीय घाट से नाम से जाना जाता है। हालांकि जो पूरा जो ये घाट है सभी को हरकी पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे में आइडेंटिफाई करने के लिए इनके नाम रखे गए हैं। और देख सकते हैं भाई, इस ओर जो गंगा जी की धारा काफ़ी चौड़ी है, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉपर स्नान करने के लिए स्पेस है। सो आज जैसे कि अमावस्या है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हुए। सो गंगा जी में स्नान करने वालों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, वहीं अगर घाट पर भीड़ की अगर बात करें, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग नज़र नहीं आ रहे, नॉर्मल संख्या है, सामान्य संख्या। हालांकि गंगा जी में स्नान करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जितने भी श्रद्धालु हैं ज़्यादातर सारे बाहर से आए हुए हैं, जबकि कल दीपावली थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं माँ गंगा जी के प्रति कितनी ज़्यादा श्रद्धा है, कितनी ज़्यादा आस्था है, जिस वजह से जो त्यौहार के दिन भी हर की पौड़ी गंगा जी में स्नान करने के लिए काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। इस ओर जो माँ गंगा जी की मूर्ति बनी हुई है, वहीं इस ओर है ये वायर वाला ब्रिज और भगवान भोलेनाथ की 108 फीट वाली मूर्ति, हर हर महादेव। सो हर वीडियो में इस ओर का दृश्य दिखाता हूँ, क्योंकि इस ओर का जो व्यू है ना, काफ़ी सुंदर नज़र आता है और यहाँ से जो गंगा जी की बहुत बड़ी धारा नज़र आती है। सो इधर का जो व्यू काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। वहीं इस वक्त जल की अगर बात करें ना, गंगा जी में जल बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊँ ना, देखो उधर के गेट ऑलमोस्ट खोले जा रहे हैं। अभी तक क्या था, बीच में इस ओर का जो टापू नज़र आ रहा था, जो कि ऑलमोस्ट अभी बंद हो चुका है, देख सकते हैं डूबने लगा है, क्योंकि जल इस वक्त बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके, गेट खोले जा रहे हैं। सो ऐसे में इस ओर के जो बीच में टापू है ना, वहाँ पर भी कुछ लड़के फंस गए थे, जो हालांकि निकल के 5-6 लड़के फंसे थे जो बीच टापू पे, जो कि जल कम था तो उस वक्त पहुँच गए थे, 2-3 फुट जल था, फिर अचानक जल बढ़ा तो बहुत मुश्किल से वो पार करके निकले। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बना रखी है, 2-3 शॉर्ट्स हैं, आप देख लेना। सो गाइस ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं और घाटों पर अब भीड़ बढ़ने लगी है और जैसे जैसे गंगा जी में जल भी बढ़ने लगा है। अमावस्या का दिन है और सूर्य ग्रहण का भी दिन है, और आज आपको बता दूँ 6 बजे माँ गंगा जी का जल अभिषेक किया जाएगा, वहीं आरती 6:45 पर होगी। सो ऐसे में श्रद्धालु अपने स्थान पर ऑलमोस्ट 5 बजे से 5:30 बजे से बैठ सकेंगे घाटों पर, क्योंकि सफाई पहले स्टार्ट हो जाती है। सो आज की वीडियो में देखा क्या स्थिति हर की पौड़ी हरिद्वार पर और कितनी संख्या में जो श्रद्धालु आए हुए हैं और गंगा जी का जल स्तर कितना है। जैसे कि पिछले 15-20 दिनों से गंगा जी में जल नहीं था। ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर जरूर से कर देना दोस्तों। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।